Who knows the art of healing? That can be seen. जो भी चिकित्सक मरीज को ठीक कर रहा है और उसकी कला उस डॉक्टर को ही पता है और उसी कला को जानने वाला जो है फिजिशियन कहलाता है, तो बच्ची के रंग जीवन के संग पेशेंट की एक एक छोटी चीज ऑब्जर्व करनी है, वो क्या भूल पा रहा है, वो क्या नहीं बोल पा रहा है, वो भी हमारा एज अ होम्योपैथ काम है कि उसको नोटिस दें और उसको ऑब्जर्व करें और उसको उसके अकॉर्डिंग हम काम करें। विश्व होम्योपैथिक दिवस हर वर्ष 10 अप्रैल को मनाया जाता है, उसी के क्रम में इस वर्ष भी आजमगढ़ जिले में होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के तत्वाधान में हनुमान वीक मनाया जा रहा है, जिसमें डिबेट और होम्योपैथिक का कार्यक्रम किया गया है। उसी के तहत हमारे के अध्यक्ष देवेश दुबे के नेतृत्व में शहर के बदरका स्थित एस के राय के कंपाउंड में डिबेट कार्यक्रम के तहत आज ख्याति लब्ध होम्यो चिकित्सकों ने अपने अपने विचार प्रस्तुत किए, जिसका संचालन डॉक्टर संतोष वत्सल और सर ने बहुत अच्छा प्रश्न किया। होम्योपैथी का ड्रग जो सॉफ्टवेयर जो है इसको डिजिटल चेंज मिलेगा, कैनिमल चेंज मिलेगा, केमिकल एंड मिनरल सात और दो फोर्स और कुछ नए कुछ कुछ पर्सन है इम्पार्टमेंट में लिया और कुछ एक और सबसे छोड़ा और कुछ नहीं है। मुझे बताइए कि कास्ट क्या है, इसकी कीमत क्या है, इसकी उपलब्धता क्या है, ये आराम कहाँ तक आपको उपलब्ध है। आज आप मेरे पास की एक लाइन भी जाए, मेरी केमिकल महंगा हो गया, ये दवा नहीं आ रही, उसको शॉर्टेज है, इसका ये है 16 रुपये का पूरे 16 रुपये की हो। लेकिन जो हमारे भी सोचे थे वो अनाज कहाँ तक अच्छा और सदैव उपलब्ध रहेंगे, यही वो होम्योपैथी में ताकत प्लस है। जो हमारी दवाई बनने की ताकत है वो कभी घटने वाले नहीं है, प्रतीक हमारे साथ और जो प्रतीक के साथ रहेगा वही विजेता होगा, वही बंकर होगा। हमारी होम्योपैथी आज नहीं कल विश्व में सर्वोच्च और सब चिकित्सा प्रति होगी। एक पेशेंट आता है खांसी लेकर, बाकी पैथीज तो ये होता है कि लोग खांसी का इलाज करते हैं, बट जब हमारे पास और एक होम्योपैथ के पास एक पेशेंट खांसी लेकर आता है तो हम उसको खांसी के साथ नहीं देखते हैं, बल्कि हमारा ये मोटो होना चाहिए कि उसका वाइटल कौन से डीरेंज हुआ है, फिर वो बीमार हुआ इसलिए उसको खांसी हुई है। तो हमको एज अ पेशेंट एज अ हो हमें उसका वाइटल कौन कैसे अरेंज हो जाए, उसकी डीरेंज में ठीक हो जाए, इस पर ध्यान देना है, ना कि ओनली उसकी खांसी पर। डॉक्टर रणधीर सिंह ने किया, साथ ही प्रश्नोत्तर में डॉक्टरों से सवाल भी किया। डॉक्टर भक्तवत्सल ने सोर्सेज ऑफ होम्योपैथिक ऑफ रेमेडीज, डॉक्टर नेहा दुबे ने एनेस्थेटाइजर ऑब्जर्वर, डॉक्टर नीरज दुबे ने कोजा ओकेजनल इज दैट इज कॉज ऑफ डिजीज पर, तो वहीं डॉक्टर वी पांडे ने 10 प्रिपैथी पर व्याख्यान किया। तो इसी तरह से अन्य चिकित्सकों ने स्कोप ऑफ होम्योपैथी ऑफ लिमिटेशन ऑफ होम्योपैथी क्लिनिकल एक्सपीरियंस होम्योपैथिक क्यूरियस सिम्टम्स सहित विभिन्न विषयों पर डॉक्टर राजेश तिवारी, डॉक्टर अभिषेक राय, डॉक्टर प्रमोद गुप्ता, डॉक्टर धीरज श्रीवास्तव, डॉक्टर सी जी मौर्य, डॉक्टर मनोज मिश्रा, डॉक्टर ए के राय, डॉक्टर नीरज द्विवेदी ने भी विभिन्न विषयों पर चर्चा की। अब देखिए शांति में तो सबको सुनाई देता है, लेकिन अगर शोर में सुनाई देने लगे किसी पेशेंट को भी शोर में हमको बहुत सुनाई देता है, शांति जगह सुनाई देता ही तो क्या दवाई नहीं है। और अब देखिए शरबत तो मीठा लगता है लेकिन पानी अगर कड़वा लगने लगे एवरीथिंग इंक्लूडिंग वाटर केंद्रीय मंत्री गडकरी जी ने जो कार्यक्रम एक ऑल इंडिया लेवल पे हुआ है उसको बहुत अच्छे से उन्होंने स्वागत करते हुए अपना मैसेज दिया है होम्योपैथी के लिए, तो मुझे लगता है कि सभी को वो मैसेज सुनने की जरूरत है, उस मैसेज को आगे बढ़ाने की जरूरत है।
बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड डिजीज है, कोई ऐसा नहीं है जो सिंगल बीमारी को लेकर आया हो, किसी को बाइट की प्रॉब्लम, किसी को लंग की प्रॉब्लम, किसी को किडनी की प्रॉब्लम, एक ग्रुप ऑफ डिजीज लेके आ रहा है। इस कंडीशन में हम होम्योपैथ को क्या मतलब क्या एडवाइस करेंगे, क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए? केस एक तो नहीं हमारी जो है प्रोडक्टी आप देखते हैं, सिमिलरिटी आप देखते हैं, प्रोडक्टी आप देखते हैं, सिमिलरिटी आप देखते हैं, इतना कॉम्प्लिकेटेड केस आप उसमें नोट नहीं होते आप पीछे की तरफ चला गया है, या महिलाओं में एक क्लियर सिम्टम होता है जिसमें सेमेटिकल तो तुरंत काम करती है, कोई भी महिला आती डॉक्टर हमको लग रहा कैंसर हो गया बच्चे के नहीं, अगर वो कैंसर शब्द का यूज कर रही है बच्चे के नहीं कुछ भी नहीं है उसको सेमेटिकल दीजिए देखिए उसको ठीक हो जाएगी। तो ये थी सेमेटिकल, थैंक यू। ब्रिटेन स्टोन इसका मेटाबॉलिक भी चीजें हैं, मेटाबॉलिज्म अगर ठीक कर दिया जाए एक बार सुबह और शाम को जो टाइमिंग से खाना दिया जाए तो सारी बीमारियां सिर्फ आहार से ठीक की जा सकती हैं। और जहां एप्लीकेशन है जहां पूरा गॉबलेट एकदम पैक हो गया है, स्टोन पूरा भर गया है, नॉन फंक्शनिंग है गॉबलेट, वहाँ होम्योपैथिक दवाओं का किसी का भी स्टोन उतना नहीं रह जाता है। ऐसे ही पहली बार हमारा ये विश्व होम्योपैथिक दिवस के अवसर पर ये होम्योपैथिक डिबेट रखा गया है और इसका मेन उद्देश्य सिर्फ इतना ही था कि हम सभी चिकित्सक आपस में अपने विचारों का अपने ज्ञान का आदान प्रदान करें जिससे हम सभी का ज्ञानवर्धन हो और हम समाज को एक अच्छा चिकित्सा पद्धति दे सकें। होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा होम्योपैथी के प्रवर्तक डॉक्टर किशोर सैमुअल फ्रेडरिक हैनीमैन की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में जिसको कि हम लोग आज पूरे विश्व में विश्व होम्योपैथी दिवस के रूप में मनाते हैं उसके उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम आज आयोजित था जिसमें हम लोगों ने एक क्विज कंपटीशन किया था और होम्योपैथी के बारे में अपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए थे जनपद के ख्याति लक्ष्य चिकित्सकों ने अपने अपने एक्सपीरियंसेस यहाँ से।